हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है नई वीडियो में। आज का टॉपिक है फुल स्क्रीन गेस्चर किस प्रकार से यूज़ करते हैं। इसे नेविगेशन बार, सिस्टम नेविगेशन, बहुत सी चीज़ें नाम से पुकारते हैं, बट इसे फुल स्क्रीन गेस्चर भी कह सकते हैं आप। एंड कैसे यूज़ करते हैं सब बताएंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, मेरे पास है सैमसंग का फ़ोन है। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। एंड सबसे पहले आपको सेटिंग ऐप ओपन करने, सेटिंग ऐप ओपन करने के बाद आपको यहाँ दिख जाता है डिस्प्ले का ऑप्शन, एंड इस पर क्लिक कर देंगे। डिस्प्ले पर क्लिक करने के बाद ऊपर से स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ दिख जाता है नेविगेशन बार, एंड इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ देख सकते हैं बैक वाला बटन लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं। इस तरीके से लेफ्ट होगा, इस तरीके से राइट होगा, गाइस देख सकते हैं। एंड और जैसे कि अगर मैं स्वाइप पे क्लिक करें, अगर आप स्वाइप पे क्लिक करते हैं जो बटन दिख रहे हैं वो हाइड हो जाते हैं, देख सकते हैं। एंड इस तरीके से लाइन आ जाएगा आपका। अगर इस बटन पे क्लिक करते हैं तो फिर से आपके जो है बटन शो होने लगेंगे, देख सकते हैं आप। एंड मैं स्वाइप गेस्चर रख रही हूँ और बिना बटन को कैसे बैक करेंगे सब बता देती हूँ। एंड इस तरीके से जो एरो दिख रहा है वो बैक करने वाला ऑप्शन होता है, इधर से बैक होता है और इधर से भी आपका बैक होगा। इस तरीके से होम हो जाता है, मतलब कि इस तरीके से होम ऐसा होम होता है। और इस प्रकार से स्लाइड रखते हैं तो आपका यह सैमसंग ऐसे दिख जाता है। अगर आप ऐसे करते हैं तो इस तरीके से ऐप्स आपको स्क्रॉल में ऐसे लाइन वाइज आ जाएंगे, जो आप ऐप ओपन करते हैं यहाँ पे शो हो जाएंगे। एंड देख सकते हैं इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे फीचर्स हैं। एंड जैसे आप चाहे कर सकते हैं। और वापस बटन शो करना है तो सेटिंग को ही ओपन करेंगे, एंड इसके बाद आपको फिर से डिस्प्ले का ऑप्शन भी क्लिक करना है। डिस्प्ले पर क्लिक करने के बाद आपको नेविगेशन बार पर क्लिक करना है, फिर बटन पर क्लिक करेंगे, फिर से आपके जो बटन है शो हो जाएंगे। एंड इसी तरीके से आप अपने फ़ोन में फुल स्क्रीन गेस्चर यूज़ कर सकते हैं। गाइस, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। फ्रेंड्स, तब तक के नमस्कार।